गजा की सूरत हाल संगीन। इसराइल का फलस्तीनियों को शिमाली गजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। शिमाली गजा में 11 लाख फलस्तीनी रिहायश पजीर। इसराइल ने अक़वामे मुत्तहिदा को भी शिमाली गजा से अपना अमला निकालने का कह दिया। अमरीकी अखबार का दावा, इसराइल अल्टीमेटम वापस ले, गजा में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है। अक़वामे मुत्तहिदा का इसराइल पर जोर। हमास ने इसराइली वार्निंग मुस्तरद कर दी, कोई अपना घर नहीं छोड़ेगा। हम अपनी सरजमीन अपने घरों और शहरों में साबित कदम हैं। हमास का रद्द अमल। इसराइल का गजा में जंगी जुनून, हर तरफ क्यामत के मनाजिर। इलाका लाशों से भर गया, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 1600 हो गई। बच्चों और खवातीन समेत 7000 से ज्यादा जख्मी। सहूनियों का गजा पर 6000 बम गिराने का एतराफ़। निहत्ते लोगों पर 4000 टन बारूद बरसाया गया। इसराइल ने इमदादी कारकुनों को भी ना बख्शा, 50 से ज्यादा तिबी अमले के अरकान भी हमलों में शहीद। डॉक्टर्स भी निशाना बने, हॉस्पिटल्स में जगह खत्म, दवाएं कम पड़ गईं। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इमारतें तबाह, खंडरात का मंजर पेश करने लगीं। 4 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर। इसराइल ने गजा पर हमले बंद ना किए तो जंग में नया महाज खुल सकता है, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरानी वजीर खारजा लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। हिजबुल्ला के सरबराह से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गजा की नाकाबंदी और इसराइली जंगी जुराइम के नतीजे में नया महाज खुलना मुमकिन हकीकत है। हुसैन अमीर अब्दुल्लहान का ऐलान। नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर। नैब तरामीम के खिलाफ पिटीशन आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती थी, अपील में मौकिफ। अदालत उज़्मा से नैब तरामीम का फैसला कल अदम करार देने की इस्तेदा। दहशतगर्दी के कुछ वाकयात हुए, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। गिरफ्तार मुलजमान को अदालत में पेश किया जाएगा, नेशनल एपिक्स कमेटी में फैसला हुआ था। इस्लाम के नाम पर किसी किस्म की दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ननकाना साहब में सेफ सिटी का प्रोजेक्ट क्राइम को कंट्रोल करेगा। मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ ने उमरा की सआदत हासिल कर ली। नून लीग की कायद की सऊदी अरब में क्याम के दौरान सऊदी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। नवाज शरीफ सऊदी अरब से दुबई पहुंचेंगे, दुबई में नवाज शरीफ कुछ दिन क्याम के दौरान अहम मुलाकातें करेंगे। नवाज शरीफ का चार्टर तैयारा 21 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे लाहौर में लैंड करेगा। तैयारे की लैंडिंग और पार्किंग के हवाले से हुकूमत से राबता कर लिया गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां, नून लीग आज लाहौर के करीब फिरोजबाला में मैदान सजाएगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ जलसा आम से खिताब करेंगे, जलसे में पार्टी के दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। नून लीग 21 अक्टूबर को ग्रेटर इकबाल पार्क में मैदान सजाएगी। जलसे के लिए इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी गई। और MQM पाकिस्तान इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। मुत्ताहिदा गरीबों मिडिल क्लास लोगों को हुक्मरानी का मौका देगी। अपने वोट की पहरेदारी ना की तो जालिमों के हत्थे चढ़ जाएंगे। जुल्म को जनवरी के आखिरी हफ्ते में रेजा रेजा कर देंगे। मुस्तफ़ा कमाल।